बहुत ज़्यादा उम्मीदों से एक सीरीज है जिसका नाम है कैलिडोस्कोप। सही से मैंने उसका नाम प्रोनंशिएट किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, खैर यही नाम है, आपने थंबनेल और टाइटल में देख भी लिया होगा। इस सीरीज़ को मैंने देखना शुरू किया था, बहुत उम्मीदें थी इस सीरीज से क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन खैर उस लेकिन पे जाने से पहले इसकी स्टोरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो चोरी की प्लानिंग करते हैं, एक दुनिया की सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो तिजोरी होती है उसको लूटने की वो प्लान कर रहे होते हैं। तब ये सब चीज़ें मैंने देखी, मैंने कहा यार क्या बढ़िया स्टोरी होने वाली है, क्योंकि इस टाइप की जो मूवीज़ होती है ना जो चोरी की प्लानिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक तो आपने वो एक डिफ़िकल्ट टास्क, इतना आसान तो होगा नहीं कि आपके सामने रुपये रखें और जाकर उठा लाओ भाई बस इतने ही, नहीं भाई उसको और ज़्यादा सुरक्षित करने की कोशिश की जाएगी। फिर वहाँ पर चोर है वो अपना दिमाग लगाएगा कि उस रुपए को वो कैसे लिया जाए या जो भी कीमती वस्तु है उसको वो कैसे लेगा, तो ये जो प्लानिंग होती है कैसे वो लूटेगा किसी भी चीज को, तो वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और इस तरीके की जो मूवीज होती हैं जो जैसे कि चोरी वाली मूवीज होगी तो उसके अंदर एक हिडन सस्पेंस या हिडन एक कहानी भी होती है, और सच में जब वो सामने आती है तो बहुत ज्यादा मजा आता है उसको देखकर, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ज्यादातर मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि इन जैसी मूवीज को मैं देखूं जिसमें सस्पेंस छुपा हो, हिडन स्टोरी हो, कुछ हमें दिखाया जा रहा हो, कुछ पीछे कुछ और चल रहा हो, जब लास्ट मूवी खत्म हो या सीरीज खत्म हो तो हमारे सामने कहानी का असली पता चले तब होश उड़ जाए, वो देखने में मजा आता है। लेकिन इसकी जो ये कहानी है वैसा कुछ हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करती है। इस सीरीज की शुरुआत में यानी कि पहले एपिसोड में, वैसे इस सीरीज के अंदर 9 एपिसोड है, इसके पहले ही एपिसोड के अंदर क्या करते हैं कि भाई प्लानिंग करते हुए हमें नजर आते हैं कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित तिजोरी को मतलब चुराने के लिए या उसको भी उसके अंदर रखा है उसको लूटने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। फिर जैसे ही अगला एपिसोड आता है फ्लैशबैक में कहानी चली जाती है, कहीं और से स्टार्ट हो जाती है। जो इस सीरीज में मेन कैरेक्टर है उसकी कहानी हमें बताई जाती है कि वो बाकी जो चोर हैं या फिर जो उसकी टीम है उनसे कैसे मिला, कैसे उनको अपने साथ लेके आया, उसकी क्या अपनी कहानी है, ताकि कैरेक्टर डेवलपमेंट हमारे सामने रखा जा सके। सच कहूं कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे मैं इतना उस मेन कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसकी कहानी मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। और शुरुआत के एपिसोड में एक FBI एजेंट भी हमारे सामने रखी जाती है, मतलब उसको लाया जाता है और लगता है कि यार इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस सीरीज में। लेकिन यार जब ये सीरीज खत्म हो जाती है तब पता चलता है कि यार इतना तो कुछ खास था ही नहीं, तो उसके ऊपर इतना फोकस स्टार्टिंग में क्यों डाला गया। और इस सीरीज की सबसे बकवास सबसे घटिया चीज मुझे लगी इस सीरीज की एंडिंग, मतलब जिस तरीके की एंडिंग इन्होंने दिखाई बिना सर पैर की वो एंडिंग है, या फिर कहें कि जिस जैसे हमने सोचा होता है कि यार ये चोरी वाली सीरीज है तो एटलीस्ट हमें इसके अंदर चोरी की प्लानिंग या चोरी करते हुए कुछ तो दिखे, लेकिन नहीं यार वो खाली पीली के वो गहने चुराते हुए हमें दिख जाते हैं, उसमें कोई प्लानिंग तो हमें दिखती नहीं है। वो सब चीज़ देखते ना बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार इतना टाइम इस सीरीज को दिया, मतलब 7 घंटे लगभग इसकी लेंथ है इस सीरीज की, 7 घंटे मैंने इस सीरीज को देखा। और जब मैंने इस सीरीज को देखकर हटा हूँ लास्ट में, मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या बकवास मैंने देखी, मैं लिटरली अपने ऊपर गुस्सा किया यार, इतना ज़्यादा टाइम मैंने इस सीरीज को दे दिया, अपनी नींद छोड़ी मैंने इस सीरीज को देखने के लिए। ओवरऑल अगर इस सीरीज की बात करूँ तो देखो यार स्टोरी में मुझे कोई भी खास दम नहीं लगा, प्लानिंग जैसी होनी चाहिए थी वैसा कुछ इसमें हमें दिखता ही नहीं है। अच्छी बातों में तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो सुरक्षित, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा सुरक्षित सेफ है या फिर जो तिजोरी है उसको लूटने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, फिर जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान को, वो थोड़ा बहुत पार्ट आपको पसंद आ सकता है, लिटरली मुझे वही पसंद आया और बाकी इस सीरीज मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो उस बिहाव में मैं इस सीरीज को देना चाहूँगा 3 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने ये जो सीरीज़ है वो देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता देना कि आपको कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो देखो यार मैं तो इतना कोई इसको सजेस्ट करने वाला हूँ नहीं कि जाकर देखो, बहुत बढ़िया एक मास्टरपीस आपके सामने रखा है, बहुत एक सिंपल एवरेज से भी नीचे की ये सीरीज है। आप देखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं देखोगे तब फर्क ये पड़ेगा कि आपको फायदा हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। हाँ हिंदी डब में है, गाली गलौज है तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।